नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन के बारे में। दोस्तों, इस फ़ोन में कुछ टाइम पहले एक नया अपडेट आया था जो कि दोस्तों था एंड्रॉयड 12 और वन UI 4.0 का। दोस्तों, ये जो अपडेट था काफ़ी बड़ा अपडेट था ही दोस्तों, क्योंकि ये जो अपडेट है ये हमें सैमसंग के उन्हीं फ़ोनों में देखने को मिल रहा था जो सैमसंग के दोस्तों काफ़ी महंगे फ़ोन हैं, क्योंकि एंड्रॉयड 12 अभी सैमसंग के मिड रेंज फ़ोन में बिल्कुल नहीं आया, तो हमें S सीरीज में देखने को मिला था। दोस्तों, इस अपडेट के बाद इस S20 FE में एक दिक्कत आ रही थी, वो ही दोस्तों बैटरी की। बैटरी इसकी पहले से जल्दी ड्रेन हो रही थी। तो दोस्तों, अभी क्या है, इसमें एक न्यू अपडेट आ चुका है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सैमसंग जब भी कोई बड़ा अपडेट देता है तो उसके कुछ दिन बाद ही एक न्यू अपडेट देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो भी बक्स वगैरह हमारे पिछले अपडेट से आते हैं उन बक्सों को फिक्स करने के लिए हमें सैमसंग नया अपडेट देता है, जिससे दोस्तों वो पिछले जो बक्स थे वो फिक्स हो सके। तो आप देखिए, इसमें न्यू अपडेट आया था जो दोस्तों 29 जनवरी को आया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अगर आपके फ़ोन में कोई भी बैटरी का इशू आ रहा है, अगर आपके पास S20 FE 5G है, तो आप नए वाले अपडेट को कर लो। इसमें दोस्तों क्या होगा कि आपके फ़ोन की बैटरी पहले से इंप्रूव हो जाएगी, पहले की तरह जैसे पहले थी एंड्रॉयड 12 से पहले, और आपके फ़ोन का सिक्योरिटी पैच लेवल हो जाएगा 1 जनवरी का। इससे पहले दोस्तों 1 फरवरी का था, बट अब 1 जनवरी का हो जाएगा। और इस अपडेट का साइज दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये अपडेट सिर्फ 194 या 195 MB समथिंग का है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो अपने मोबाइल में। और दोस्तों, इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में जो एंड्रॉयड 12 के फ़ीचर थे वो बिल्कुल नहीं हटेंगे, सेम वैसे ही रहेंगे, बट जो बक्स वगैरह आए थे एंड्रॉयड 12 वाले अपडेट से वो दोस्तों आपको फिक्स होकर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि इस अपडेट को करने से मैं क्या फ़ायदा मिलेगा और ये अपडेट दोस्तों कितने MB का है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल लगूँ, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।